आपको अंदाजा क्या है कि भाई 8 में स्टार्ट होंगे या आगे? अच्छा भी कोई पता नहीं है कब स्टार्ट होगा, मुझे नहीं है आइडिया बिल्कुल भी, क्योंकि पॉलिसी अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से कि क्या रखा है। मे बी 8 को हो, मे बी जो है ना 15 से हो, कोई पता नहीं। जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम, आज का हमारा लेक्चर जो है वो पहले लास्ट टाइम के लेक्चर की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास लेविस सॉरेल मेथड है और मैकैप थेले मेथड है, इससे आप किस तरह से अपनी नंबर ऑफ प्लेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अगर आपको कंडीशंस दी हो, आपके पास डिस्टिलेट के एक्सडी दिया हो तो आप, और उसके अलावा रिफ्लक्स दिया हो, तो आप किस तरह से नंबर ऑफ प्लेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। थ्योरेटिकल किस तरह से कर सकते हैं और एनालिटिकल तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, वो हमने कैलकुलेट करके देख लिया है। अब हमने वो लेविस सॉरेल मेथड और मैकैप थेले मेथड हमने किस बेसिस पर पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जी आपके स्टिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन क्या है और आपके रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लाइन ऑफ फीड लाइन। ठीक है, फीड की कंडीशंस के ऊपर आपकी ऑपरेटिंग लाइंस क्या बनती हैं, फिर आपके फीड की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, आपके फीड किस तरह से हो सकती है, उसके बारे में जो है आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं फीड के ऊपर। अगर मैं ओवरऑल बैलेंस लगाऊं, जिस तरह हम स्ट्रिपिंग सेक्शन पे लगाते थे या हम रेक्टिफाइंग सेक्शन पे लगाते थे, तो हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन ऑन फील्ड। तो ये आप समझेंगे जी, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि फ्लैश या इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन की, विच फ्रीक्वेंटली कैरिड आउट एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हम अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं इसको, इसको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूसली फीड एंटर होती जा रही है और डी आपके पास डिस्टिलेट कलेक्ट होता जा रहा है और डब्ल्यू आपके पास एज अ बॉटम प्रोडक्ट हासिल होती है। डी में आपके पास मोर वोलाटाइल कंपोनेंट निकलते हैं और नीचे जो है आपके पास डब्ल्यू में लेस वोलाटाइल कंपोनेंट जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं। कहता है दिस प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ वेपराइजिंग अ डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड फीड। आपके पास लिक्विड फीड के कुछ हिस्से को, कुछ पोर्शन को जो है ना इस प्रोसेस में क्या कर दिया जाता है, वेपराइज कर दिया जाता है। और वो कौन सा हम कहते हैं मोस्टली जो कंपोनेंट है वो आपका कौन सा होता है? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो हमारे पास वेपराइज होता है, और इन सच अ वे दैट, कहता है कि इन सच अ वे दैट वेपर इवॉल्व इज इन इक्विलिब्रियम विद द रेजिड्यूअल लिक्विड। वो इस तरह से जो है ना वेपराइजेशन हो रही है कि जितनी वेपराइजेशन हो रही है उतना ही वापस लिक्विड जो है ना वो निचली प्लेट पे जाके गिर रहा है, तो आपके पास फ्लो रेट जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जितना वेपर फेज में जा रहा है कंपोनेंट, उतना ही लिक्विड फेज में कंपोनेंट कन्वर्ट होके वापस आ रहा है वेपर से कंडेंसर के थ्रू बेशक कह लो, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। कहता है द फीड इज यूजुअली पंप्ड थ्रू अ फायर्ड हीटर। बिल्कुल सही कह रहा है कि हमने बात करी कि हम फीड को चेंबर के अंदर, चेंबर को या कॉलम के अंदर, या कॉलम के अलावा स्टिल भी कहता है यहाँ पे। आपकी बुक डिस्टिलेशन वाले चैप्टर में लीजिए, द स्टिल इज एसेंशियली, स्टिल का मतलब है कॉलम की बात कर रहे हैं। फीड इज यूजली पंप थ्रू अ फायर्ड हीटर। हमने कहा था कि हमने कंडीशन जब हमने स्टार्ट में पढ़ी थी फीड कंडीशंस थोड़ी सी, के बताया था मैंने कि आपने फीड जो है वो प्री हीटेड फॉर्म में भेजनी है, इसलिए वो फायर्ड हीटर से गुजर के आती है एंड एंटर द स्टिल और कॉलम के अंदर एंटर कर दिए थ्रू अ वाल्व वेयर द प्रेशर इज रिड्यूस्ड। प्रेशर वाल्व के थ्रू हम जो है ना उसको एंटर ओपन करते हैं, तो जो पीछे प्रेशर बिल्टअप हुआ होता है हीटर के अंदर या फर्नेस के अंदर, वो प्रेशर जो है ना वो स्टिल के अंदर एंटर होते ही रिड्यूस हो जाता है। द स्टिल इज एसेंशली अ सेपरेटर। ये जो कॉलम है ये बेसिकली सेपरेटर है इन विच लिक्विड एंड वेपर प्रोड्यूस बाय द रिडक्शन इन प्रेशर। प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा तो क्या होगा जी, आपके पास जो वेपर्स हैं वो अपवर्ड मूव करते हैं और जो लिक्विड होगा वो लोड टुवर्ड्स जो है ना रीबॉयलर की तरफ, नीचे की तरफ
आपके पास मूव कर देता है, हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, और इतना टाइम उनके पास होता है कि ये जो ऊपर वेपर जा रहे हैं जो नीचे लिक्विड आ रहा है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लें। ये वही स्टोरी है जो हम पीछे आपके कॉलम के लिए पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऊपर जितने वेपर जा रहे हैं उस हिसाब से नीचे लिक्विड जा रहे हैं तो आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। ठीक हो गया, द वेपर इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेपरेटर, बिल्कुल ठीक है, हम डिस्टिलेट में ऊपर टॉप स्ट्रीम से वेपर्स को रिमूव कर देते हैं और देन उसको कंडेंस कर लेते हैं व्हाइल द लिक्विड लीव्स फ्रॉम द बॉटम, बाकी का जो इसके अंदर डिस्टिलेशन फ्लैश डिस्टिलेशन में या कॉन्टीन्यूस डिस्टिलेशन में जो बॉटम प्रोडक्ट होती है वो लिक्विड होती है आपके। तो अगर उसमें मैं ओवरऑल बैलेंस लगाऊं, ओवरऑल बैलेंस हम अगर इसके ऊपर फीड लाइन के ऊपर लगाएं तो एफ इज इक्वल टू वी प्लस एस, एस का मतलब यहाँ स्टिल कह रहा है, स्टिल का मतलब है कि नीचे जो स्ट्रिपिंग सेक्शन में जो लिक्विड जा रहा है ना उसको कह रहा है। हमने वहाँ पे मोस्टली आपकी प्रेजेंटेशन में मैंने एल रिप्रेजेंट किया है, आप भी समझो कि ये क्या है आपका एल है, ठीक है, वी प्लस एल आपके चेंबर फीड, फीड कहाँ कन्वर्ट हो गई इस वाली में से, यहाँ से फीड किस में गई, एल में और वी में, सॉरी हाँ ठीक है, एफ जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, या वेपर्स में जाएगा या लिक्विड फॉर्म में जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया वी प्लस एस, एस का मतलब समझ लो कि एल है। इस पर आपने लगा दें जी मोर मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का मटेरियल बैलेंस लगा दो तो एफ के साथ क्या आएगी, जो कंपोज पोजीशन होगी फीड की वो एक्स एफ होगी, और वेपर्स में क्या होते हैं वाई मोल फ्रैक्शन वेपर्स की और प्लस एल एक्स, एल एक्स यहाँ पे एस लिखा हुआ है, आप लोग मैं कह रहा हूँ फिर दोबारा से कि यहाँ पे आप समझिएगा ये एल की बात कर रहा हूँ, एस को नई चीज नहीं है, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ। इसने यहाँ बताया अगर वी ओवर एफ जो है इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ तो ये मेरे पास निकलता है एक्स एफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इसी फॉर्म में लेके आऊं बजाय इस फॉर्म में डायरेक्ट लिखने के, मैं पहले इसको इस फॉर्म में लेके आऊं देन मैं इसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करूं, ये सिर्फ उसने रीअरेंजमेंट किया और कुछ नहीं किया। ठीक हो गया कि v ओवर f जो है इसको f से डिवाइड कर दो सारे को तो आपके पास यहाँ एक्स एफ आ जाएगा, ये आ जाएगा s ओवर f आ जाएगा, इसको रीअरेंज करो तो आपके पास ये बन जाएगी। अगर इसी की बात करता हूँ तो y इज इक्वल टू ये इसको मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रहने दिया, इस एस एक्स को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ क्योंकि हमने यहाँ पे वेपर्स की कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, वेपर्स की कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है। हमने एग्जांपल में भी देखा था आपके पास कि हम जो है स्ट्रिपिंग सेक्शन की या रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन से वाई एन कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम y n कैलकुलेट करते थे इस इक्वेशन से जो आपकी बनती थी, या दूसरी इस इक्वेशन से y m या y n कैलकुलेट करते थे, देन हम इसको ऊपर यहाँ पर पेंडिकुलर गिरा के x फाइंड कर लेते थे कि जिस किस ऑपरेटिंग लाइन के ऊपर, अगर वो फील्ड से ऊपर वाले सेक्शन है तो हम उसकी ऑपरेटिंग लाइन के ऊपर यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराते थे और ठीक है, और अगर वो स्ट्रिपिंग का है तो हम यहाँ से दूसरी लाइन पे निचली फीड के बाद वाली जो है वो स्ट्रिपिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाते तो स्ट्रिपिंग पे लगाते जाना परपेंडिकुलर, तो वाई और एक्स हम निकाल लेते थे। यहाँ पे हमने इसको रीअरेंज किया ओवरऑल बैलेंस को, हमारे मेरे पास हो जाएगा वी इज इक्वल टू हो जाएगा जी सर, ये असल में ये जो हम मास बैलेंस लगा रहे हैं ओवरऑल ये किस चीज के लिए लगा रहे हैं, ये हम देखो पहले हमने क्यों लगाए थे मास बैलेंस, हमने लगाए थे कि हम ऑपरेटिंग लाइन को ड्राइव कर सके, ऑपरेटिंग लाइन की डेरिवेशन के लिए हम मटेरियल बैलेंस लगा रहे हैं। ठीक है, उससे फिर क्या होगा, ऑपरेटिंग लाइन जब हम ड्रॉ कर लेंगे तो हम उस सेक्शन में अपर सेक्शन में मिडल सेक्शन में या लोअर सेक्शन में हम कंपोजिशन निकाल सकते हैं, वाई की कंपोजिशन क्या है, यानी कि वेपर में वो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कितनी मोल फ्रैक्शन में है और लिक्विड फेज में वो कितनी मोल फ्रैक्शन में, हम इसलिए ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन जो है वो
डिजाइन करते हैं, और डिजाइनिंग किस तरह से होती है, उसकी मटेरियल बैलेंस लगा के जब वो इक्वेशंस बन जाती हैं, देन हम उसको बाकी के जो डाटा हमें गिवन दिया होगा उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा वाई का। ठीक है, वाई से हम फिर जो है वो एक्स निकाल लेते हैं। वो एक्स कैसे निकालते हैं, वो लास्ट टाइम आपको लेविस थेले में बताया था कि आपने इक्विलिब्रियम कर्व, अब जैसे यहाँ पे देखो y की वैल्यू क्या है, ये 0.63, तो यहाँ पे जो 0.63 के ऊपर आपने डॉट लगा दिया, उस डॉट से आपने नीचे परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो आपके पास उस प्लेट के ऊपर x भी निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह हमने स्ट्रिपिंग सेक्शन में किया था, इसी तरह हम सॉरी स्ट्रिपिंग नीचे है और रेक्टिफाइंग ऊपर, इसी तरह हमने किया था कि यहाँ से हमारे पास एक्स डी थी, एक्स डी से मैंने पहले यहाँ से एक हॉरिजेंटल वॉइस नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। सर लेफ्ट कर गए आई थिंक सो। हाँ दोनों लेफ्ट कर गए, दोनों जो सर के ज्वाइनिंग हुई थी। अब नजर आ रही है स्क्रीन इशू हो रही है भी। हाँ एक मिनट कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। शो हो गई सर। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इस लाइन की कि आपके पास एक्स डी दिया हुआ था ये न्यूमेरिकल में कि 90% बेंजीन जो है वो डिस्टिलेट से जाएगी। एक्स डी से मुझे मैंने एक लाइन खींची हॉरिजेंटल, वन पॉइंट पे उसने टच किया इक्विलिब्रियम को, ये मेरे पास टॉप प्रोडक्ट टॉप प्लेट की वाई कंपोजिशन निकल आई, वाई मोल फ्रैक्शन निकल आया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकला है। इससे मैंने नीचे परपेंडिकुलर गिराया वन से टू की तरफ, टू पे मैंने परपेंडिकुलर जो आपकी डायगोनल है ना उसके ऊपर नहीं गिराया, मैंने उससे ऊपर वाली जो लाइन है जो उसकी ऑपरेटिंग लाइन कहते हैं जिसको। ठीक है, ये ऑपरेटिंग लाइन कैसे आती है, ये आप जब इक्वेशन बनाते हो इक्वेशन में ये आप वैल्यूज पुट करते हो रिफ्लक्स पे उसकी आर की या एल ओवर डी की, तो आप बस यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट और स्लोप निकल, वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट आप यहाँ पे लगाते हो, जैसे यहाँ पिछली इक्वेशन में 0.225 था तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया और एक ए लगाया, ए को और ये बी वाले को मिला दिया, ये ऑपरेटिंग लाइन होती है अपर सेक्शन की। इसी तरह मैंने सी पॉइंट को मिला दिया, आपके पास इसकी वाई इंटरसेप्ट है, इसका वाई इंटरसेप्ट कितना -0.042 जो कि इस यहाँ पे नीचे करके आएगा इधर नीचे, इन दोनों लाइन को मैंने जो है ना टच बिल्कुल इनके ऊपर सीधा जो है ना क्रॉस कर दिया। ये आपके पास जहाँ ये टच होती है ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन आपका वो है। हाँ ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको बड़े समझने की बात है, आपको पता है ना कि फील्ड जो है वो आपके अपर ऊपर सेक्शन जो होगा यानी कि रेक्टिफाइंग और जो आपके पास लोअर सेक्शन है स्ट्रिपिंग उनके दरमियान कर रही होंगी ना वो जस्टिफिकेशन भी होगी। देखो ये फीड फीड की लाइन भी उसी जगह से गुजर रही है, फीड की लाइन भी उसी जगह से गुजर रही है, तो आपने जस्टिफिकेशन है ये
कि आपकी ऑपरेटिंग लाइन जो है वो सही लगी हुई है, आपने ठीक लगा दी है ऑपरेटिंग लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एफ भी इसी पॉइंट से गुजर रहा है और ये दोनों भी एक ही जगह पे इंटरसेक्शन कर रही है, ठीक हो गया। ये भी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट भी, फिलहाल हम इसके ऊपर आ जाते हैं जी। ये आपने मटेरियल कंपोनेंट बैलेंस लगाया, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, इसको मैंने रीअरेंज किया, एस वाले पार्ट को मैं उधर ले गया, एस की जगह उसने जो है ना एफ और वी लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है। जैसे ये देखो ये वाला सेक्शन जो यहाँ से क्या होगा, एस जब इसको मैंने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया और v से डिवाइड किया, तो यहाँ पे ये इसको रीअरेंज करोगे कुछ भी नहीं है, सिंपल जिस तरह पहले हम y के लिए इक्वेशन बनाते थे उसी तरह उसने एक इक्वेशन बनाई है, s की जगह उसने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो ये इसने इसको सॉल्व कर दिया है कि f ओवर v माइनस v ओवर v माइनस वन हो गए, ये आ गया। इसी से ये आपकी स्लोप है, ये आपकी क्या है स्लोप हो गई, तो फीड लाइन की स्लोप की वैल्यू क्या है माइनस एफ माइनस वी डिवाइडेड बाय एफ ओ वी या माइनस एफ ओवर वी माइनस वन, या फिर ये किसके इक्वल है एफ माइनस वी एस के इक्वल है, तो ये माइनस एज इट इज और ये पूरे का पूरा एस ओवर वी। कहता है दीज इट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप, ये इसमें इक्वेशन जो है ये इस वाली इक्वेशन से हमारे पास स्लोप निकला, ये पासिस थ्रू द पॉइंट एक्स एफ एक्स एफ, अब मैं वही बात कर रहा था अभी पिछली वाली में भी कि हमने यहाँ डी वाले पॉइंट से यहाँ पे जो एक्स डी था वहां से एक ऑपरेटिंग लाइन खींची इसकी तरफ, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स डब्ल्यू था वहां से भी मैंने एक लाइन खींची जो वाई इंटरसेक्ट होगी, तो जो फीड पॉइंट है यहाँ से इसकी ऑपरेटिंग लाइन खींचूंगा मैं, यहाँ से ये खींच गई थी जैसे कि उसने एग्जांपल में दिया, अभी मैं बताता हूँ। जी किसी ने बचे नहीं कोई, ठीक है ओके। तो कहता है कि ये किस पॉइंट से गुजरेगी, ये जो स्लोप है इसकी, ठीक है, स्लोप जो है वो माइनस में होगी ना, यहाँ पे देखो वैल्यू भी दी हुई है माइनस में, जो फीड लाइन की स्लोप माइनस में आती है वो इस तरह की होती है, और अगर बिल्कुल यहाँ से सीधा स्ट्रेट परपेंडिकुलर इसके बिल्कुल सीधा चली जाएगी उसकी स्लोप किस तरह की होगी वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे, और अगर इस पॉइंट से स्लोप इस साइड पे होगी यानी कि इस डायगनल के करीब करीब डायगनल से इधर को जाते जाते तो क्या होगी, अगर यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन से इधर होगी तो क्या होगी, और अगर स्लोप जो है वो यूं पर हॉरिजेंटल खींच रही है इस पॉइंट के ऊपर ड्रा हुई है तो क्या होगी, वो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। कहता अगर ये पॉइंट आपके पास क्या है एक्स एफ एक्स एफ, बिल्कुल ठीक है, अभी एग्जाम्पल देख के समझते हैं। कहता द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड मस्ट सेटिस्फाई नॉट ओनली द इक्वेशन बट आल्सो द अप्रोप्रिएट इक्विलिब्रियम, के आपके पास जो इक्वेशन वाई और एक्स की और वाई की वैल्यूज आएंगी ना इस डायग्राम से, जिस तरह हमने उसके लिए मैकैप थे लिए और उसमें एग्जाम्पल में पढ़ी थी, कहता कि ये जस्टिफाई भी होनी चाहिए कि वाकई ये जस्टिफाई है कि नहीं है, तो वो देखते हैं जी। वो कहता है कि इन प्रैक्टिस द क्वांटिटी वेपराइज इज नॉट फिक्स्ड डायरेक्टली बट इट डिपेंड्स अपॉन द एंथैल्पी ऑफ हॉट इनकमिंग फीड एंड एंथैल्पीज ऑफ द वेपर एंड लिक्विड लिविंग द सेपरेटर। वो कहता है कि आपके पास जो है ना हम इससे नहीं निकाल सकते कि क्वांटिटी कितनी वेपराइज होती है, फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करती है उसकी एंथैल्पी, क्योंकि आप जो फीड की एंथैल्पी कितनी है उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट कितना एंथैल्पी यानी कि वेपराइज हो गया है, फीड की एंथैल्पी कितनी है, आपके पास पूरे कॉलम के अंदर लिक्विड है उसकी फॉर अ गिवन फीड कंडीशन द फ्रैक्शन वेपराइज्ड मे बी इंक्रीज्ड। By lowering the pressure in the separator, ये भी एक बात ठीक है कि जब आप प्रेशर रिड्यूस कर दोगे तो वो लिक्विफाई अगर हुई पड़ी थी आपकी फील्ड
होंगे, प्राइस में हो जाएंगे, ये भी एक कंडीशन है फीड की। अभी हम बात करते हैं इस एग्जांपल की, ये हमने जो ये मटेरियल बैलेंस लगाया है और कंपोनेंट बैलेंस लगाया है, इससे हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं और बाय कैसे निकालेंगे, देन मेरे पास ये वाला एक्स और वाई की कंपोजिशन निकालने के लिए किस लाइन से लाइन इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, मतलब आपने उसने फीड में उसको इक्विमोलर कह दिया है तो क्या होगा, 0.5 x हो गया। इस सब्जेक्टेड चीज है क्या पूछने वाली, ज्वाइन कर रहा कोई सर? जी आवाज में ब्रेक कर रही है। यस सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी आवाज आपकी, ये और न्यूमेरिकल नजर भी नहीं आ रहा और आवाज भी आपकी बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही। न्यूमेरिकल बुक में दिया हुआ है, अगर मैं इसको ये लॉग नजर आ रहा है सदी, ये दोबारा शुरू से कराएं जी? अभी थोड़ा थोड़ा नजर आया है, अभी ठीक है गुजारा। इसको भी, ये वाली जो आपके पास डायग्राम थी इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, सर आवाज ब्रेक कर रही है बहुत ज्यादा। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपके पास स्लो सर जी काइंडली, सर जी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, जो भी बोला है आपने नहीं समझ। एक सेकंड मेरा वेट करो जरा, फिर मुझे फिर जाना अपना डाटा इस्तेमाल कर लेने दो, यही हो सकता है। अगर मैं उस दिन एक दिन अपना डाटा के चक्कर में 3-4 GB अपना डाटा उड़ा लूंगा एक ही क्लास में। जी अब आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, अभी तो ठीक है प्ले। सर आपका माइक बंद है। ओके सॉरी जी, अब ठीक है? यस सर, अब आ रही आवाज। जी आपके पास हमने देखा कि ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन क्या निकली हमारे पास, y इज इक्वल टू f ओवर v डॉट xf माइनस xf ओवर v माइनस 1। ये जो x है ना, इसके साथ जो आपके पास ये डाटा वैल्यू दी हुई है, ये आपकी बेसिकली स्लोप है और ये आपका y इंटरसेप्ट है। f ओवर v इंटू एक्स एफ आपका क्या है, आपका y इंटरसेप्ट है। एक चीज और भी देखन नोटिस करने वाली है कि स्ट्रिपिंग सेक्शन में जो आपका y इंटरसेप्ट था वो क्या था, उसमें xd था, उसमें यहाँ पे xd था, और जो सॉरी स्ट्रिपिंग में xw था और रेक्टिफाइंग में क्या था, xf की जगह xd था। तो यहाँ से आपके पास पता चल जाएगा कि ये जो xf है या xw है या xd होगा, वो आप जो टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, आपकी y इंटरसेप्ट होगा, और जो खाली x के साथ होगी या xn प्लस 1 के साथ होगी वो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारे पास उसकी स्लोप होती है इक्वेशन की। तो यहाँ से आपके पास स्लोप आ जाएगी इन दोनों डाटा से,
स्लोप से और y इंटरसेप्ट से हम अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, एक बात नहीं समझ आई सर। बोलो सर, हमने पहले जो वो ऑपरेटिंग लाइन फाइंड की थी एक स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए, एक रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए, अब ये जो ऑपरेटिंग लाइन है ये कौन से सेक्शन के लिए, मीन ये फीड के साथ हम इसको रिलेट कर रहे हैं, तो ये फीड लाइन के ऊपर, फीड के ऊपर। अच्छा, ये फीड के लिए उसके लिए ऑपरेटिंग लाइन फाइंड कर, ठीक हो गया जी। अब फीड के ऊपर कर रहे हैं तो तीनों सेक्शन हो जाएंगे फीड की। देखो मैंने आपको कॉलम के कंपोनेंट्स में जब बताया था कि अपर सेक्शन है, मिडल सेक्शन है और लोअर सेक्शन है। मिडल और अपर और लोअर के बारे में पढ़ लिया, अब हम किस लाइन के बात कर रहे हैं, हम मिडल सेक्शन जो आपका फीड सेक्शन, ठीक है, जो मिडल प्लेट है। हमने पहले बात की थी अपर प्लेट्स की, एक बात की थी लोअर प्लेट्स की, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फीड प्लेट की, ठीक है, उसके ऊपर हम लगा रहे हैं कि उसके ऊपर हमें क्या मिल रहा है जी। आपके पास इक्वेशन जो है न्यूमेरिकल है, कहता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन इज सब्जेक्टेड टू फ्लैश डिस्टिलेशन एट 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इन द सेपरेटर। इक्विमोलर का मतलब है उसने आपको XF दे दिया है, आप XF क्या होगा इक्विमोलर में, 0.5 अंडरस्टूड बात है। इक्विमोलर का मतलब है टोटल मोल फ्रैक्शन कितनी होनी है, 1। तो हमारे पास यहाँ पे XF और XF कितना आ गया, ये देखो जी 0.50, ये 0.50 से आपने एक परपेंडिकुलर जो है ना ड्रॉ कर दिया टूवर्ड्स, ये आपके पास डायगोनल है, डायगोनल को इसने यहाँ टच किया, ये आपका XF है। ओके नेक्स्ट देखो जी, कहता है इस डायग्राम में भी देख, कहता है डिटरमिन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर, y x निकालो और y निकालो लिविंग द सेपरेटर, व्हेन कब किस प्लेट पे किस कंडीशन पे आपने x और y निकालना, कहता है जब फीड इज 20% वेपराइज्ड, टोटल फीड आपकी 100% में से 25% जो है वो क्या है वेपराइज्ड है और बाकी की क्या है लिक्विड, ठीक है। तो मैं वो कहता है कि v ओवर f, अगर मैं वेपर टू फीड की कंपोजिशन निकालूं, टोटल फीड आपके पास अगर 100 है तो 25% है 100 का, तो 25 डिवाइडेड बाय क्या होगा 100, तो मेरे पास वेपर की फॉर्म में जो कंपोजिशन वो आएगी फ्रैक्शनल वेपराइजेशन एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, वी ओवर एफ को अगर मैं प्रेजेंट कर दूं एफ से, फॉर एग्जांपल आप क्यू से कर दो, ठीक है, यहाँ पे एफ से किया है एफ से कर दो, और वैसे इसको किस तरह से करेंगे वो भी अभी मैं बताऊंगा इसके बाद जी। सर ये आपने स्लाइड्स जो बनाई हैं ये किस बुक से लिया है या किस, हाँ ये बुक अब यार जो मैंने बुक शेयर की है उससे ली है, ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है सर, ठीक है 11.6 उसकी एग्जांपल है जी। मैं कहता हूँ कि वेप, अच्छा 20% फीड में जो है ना वो वेपर्स हैं और बाकी के लिक्विड्स हैं। कहता है फॉर दिस कंडीशन द बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम मे बी, ये जो दूसरी डायग्राम है जिसको हम TXY डायग्राम कह रहे हैं, मे बी यूज टू डिटरमिन द टेम्परेचर ऑफ द एग्जिट लिक्विड स्ट्रीम, और आपने साथ जो है ना इससे टेम्परेचर भी कैलकुलेट करके बताना है कि जी बताओ कि कौन से टेम्परेचर पे आपकी फीड जो है वो सॉरी आपकी वेपर्स सेपरेट हो रहे हैं और लिक्विड सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये दो आपके पास यूज होंगी, एक TXY डायग्राम और ये आपकी जो इस साइड 11.9 है ये XY डायग्राम जी। सॉल्यूशन की बात करते हैं, फ्रैक्शनल वेपराइजेशन यानी कि V ओवर F जिसको मैंने F कह दिया वो कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है F जो है वो 0.25 है, कैसे निकला 25 डिवाइडेड बाय, अच्छा F कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले F को क्या करना है सपोज करना है, जिस तरह बेसिस लेते हैं फीड, फीड कितना है द अमाउंट ऑफ फीड कितनी है इज इक्वल टू 100 किलोमोल और 25% वेपर्स हैं फीड में, तो वेपर्स कितने हैं 25 किलोमोल डिवाइडेड बाय 100 किलोमोल्स, आपके पास F की वैल्यू निकल आई 0.25। हमें पता है स्लोप इस फीड के अंदर, फीड के ऊपर हमारी स्लोप कितनी है, ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा F माइनस
डिवाइडेड बाय वी। अब उसमें देखो एफ ओवर वी, अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करूं, ये एफ ओवर वी ठीक है, ये मेरे पास सॉरी वी ओवर एफ है, तो मेरे पास ऑपोजिट क्या हो जाएगा उसका, सॉरी इसको मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूं, ठीक है, यहाँ पे वन माइनस एफ ओवर वी आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लो खुद से ही, और अगर नहीं होता तो जो है ना मटेरियल बैलेंस आप लगाना सीख लो कि किस तरह से इसको रिप्लेस, इसको जस्ट सिंपल रिप्लेस किया है इसमें, ठीक हो गया। अगर नहीं होता तो मैं आपको जो है ना कल करके भी जो है ना यहाँ पे बता दूंगा ये किस तरह से कन्वर्ट हुआ है। वी और एफ की वैल्यू को इसमें इसके अंदर पुट किया है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो एफ एफ है, कुछ भी नहीं है, इसको अगर मैं पूरे को डिवाइड कर दूं, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं एफ से, एफ ओवर एफ वन ये आ जाएगा, माइनस वी ओवर एफ एफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या है वी वी ओवर एफ एफ, ठीक हो गया। इस तरह से किया है, ये आपके पास एम दिया हुआ है, सॉरी एफ दिया हुआ है, एफ की वैल्यू पुट करो, आपके पास स्लोप कितनी है 0.-3 एंड द कंस्ट्रक्शन इज मेड एज शोन इन फिगर टू गिव द एक्स एंड वाई। अच्छा ये तो हो गया, ये इंटर सॉरी स्लोप तो आ गई, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है ये एफ ओवर वी इंटू एक्स एफ, ये क्या आएगा, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैलकुलेट करके चलो मैं बता देता हूँ किस तरह से आएगा जी, ये देखो मैं बात कर रहा हूं कि एफ ओवर वी इंटू एक्स एफ, किसके इक्वल होगा एफ ओवर वी, किसके इक्वल होगा जी, अगर ये वी ओवर एफ जो है वो किसके इक्वल है 0.025 के, तो ये किसके इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू एक्स एफ क्या है 0.5। आपके पास आंसर निकल आएगा जी, कितना आंसर आएगा वो आपने देख लेना है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आता है, आई थिंक इसका आंसर आएगा 0.25 ऊपर 2 आएगा जी। वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया 2, वाई इंटरसेप्ट 2 की वैल्यू जो है 2 आ गई। और इसको आप अब ग्राफ के ऊपर कैसे करोगे, यहां से 0 से लेके 1 गए, 1 से ऊपर भी एक लाइन खींच दो इक्वल 2, समझो कि एक यहां पे पॉइंट लगा है y के ऊपर, ये इस वाली जगह पे पॉइंट लगा है, तो एक पॉइंट ये आ गया और एक ये वाला पॉइंट था xf xf। जैसे हम इस वाली में यहां पे a को मिलाते थे किसके साथ, y इंटरसेप्ट के साथ, ये अब आपके पास उस वाले ग्राफ में ये 1 की जगह पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे लाइन लगेगी 2 वाई इंटरसेप्ट पे, ठीक है 2 को मिला दिया मैं xf से मिला दूं, तो मेरे पास यहाँ पे ये इस तरह की जो है ना डायग्राम आ जाएगी, ये आपकी स्लोप आ गई, ये आपकी क्या आ जाएगी स्लोप, और ये कि इसमें -3 में जी जी ये 2 की वैल्यू किस चीज की है, मीन ये fv xf, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट यानी कि ये जो y है ना, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर्स y जिसको कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा और लंबा कर दो, एक की जगह दो दो वाला पॉइंट लगा दो, और उसकी जगह वहां पे जहां पे दो लिखोगे उसको स्केल बनाओगे, दो पे पॉइंट लगा दिया, और दूसरा ये डायगनल के ऊपर xf xf का पॉइंट लग गया, दो इन दोनों लाइंस को आपस में मिला देना है आपने, ठीक है, तो ये आपके पास स्लोप निकल आएगी, ठीक हो गया। देन आपके पास जो है इनको मिलाया, इस जहां पे ये लाइन इसको टच कर रही है, जहां ये स्लोप इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच कर रही है, वो आपकी क्या है, वो आपकी वाई है, वो आपका क्या है वाई, जहां ये स्लोप आपकी जो है वो इक्विलिब्रियम लाइन को टच कर रही है,
इस पॉइंट पे आपकी वो वैल्यू दे रहा है, ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास किसी भी स्टेज पे वो कहना, यहाँ पे उसने कहा है कि द डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर लिविंग द सेपरेटर व्हेन द फीड इज 25% वेपराइज। अभी सिर्फ 25% वेपराइज हो गई थी तो वहां से हमारे पास निकल गई, तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई क्या 25% में जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट था वो कितना वेपराइज हो गया, 0.63, और उस बाकी की कंपोजिशन जो एक्स की कंपोजिशन है वो कैसे निकलेगी, इस पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर गिरा दो और यहाँ पे ये पॉइंट आएगा 0.42, 0.42। आई होप कि ये पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा, ये इक्विलिब्रियम सॉरी एक्स वाई डायग्राम से वाई और एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करते हैं। वहां पे हमारे पास स्लोप्स ये वाली थी, एक स्लोप ये थी और एक स्लोप ये थी, लेकिन इस फील्ड में स्लोप ये वाली है, तो ये जिस जगह पे पॉइंट टच कर रही है वो आपके पास आपकी वाई की वैल्यू है, और एक्स की कहाँ से निकलेगी, इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर नीचे गिरा दो, 0.42 एक्स निकल आएगा। तो ये न्यूमेरिकल था जो इसने लिक्विड और वेपर के लिए पूछा। और सेकंड पार्ट उसने पूछा डिटरमिन करो टेम्परेचर क्या होगा। भाई मुझे बताओ कि कोई फीड जो है वो वेपराइज कब होती है, जब वो अपनी अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंच जाती है, सैचुरेटेड यहाँ पे जा इस पॉइंट पे वो सैचुरेटेड लिक्विड बनेगी, इसके बाद वो वेपराइज स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ तक कंप्लीट वेपराइजेशन हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। वो कह रहा था कि बताओ इसका जो है ना 0.42 के ऊपर, ये 0.42 के ऊपर जो है वो, अब उसने टेम्परेचर पूछा है कि जी डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द एग्जिट लिक्विड, ठीक है, वो किसका किसका टेम्परेचर पूछ रहा है, वो एग्जिट का, फीड का नहीं पूछ रहा, फीड का होगा तो कहाँ आएगा ये, इस तरह इस यहाँ पे वो जो है ना डायग्राम 0.5, ये अगर पॉइंट है 0.5 का, इसके ऊपर लाइन खींचो, इसके ऊपर लाइन खींचो, तो ये आपके पास यहाँ पे आएगी, और ये कहाँ पे आ रहा है, एग्जिट लिक्विड का पूछ रहा है, इसलिए उसने यहाँ पे जो है ना 0.42 के ऊपर जो है परपेंडिकुलर गिराया हुआ है 0.42 पे। तो यहाँ से उसने टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया जी 366.5 केल्विन के ऊपर आपके पास जो है वो एग्जिट लिक्विड स्ट्रीम जो है वो हासिल हो रही है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई हो। अब बात करते हैं अगर आपके पास फीड लाइन के अंदर, अभी हम बात कर गए हैं फीड लाइन के अंदर अगर वेपर्स थे तो उसको क्या कहते हैं, वी ओवर एफ, लेकिन यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है क्यू वैल्यू। आपकी फीड लाइन की कंडीशन क्या है, आपकी फीड लाइन की क्यू वैल्यू क्या है, इसको हम क्या, इसके लिए हम फीड लाइन के ऊपर एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं जिसको कहते हैं क्यू लाइन। क्यू लाइन, वो क्यू लाइन क्या है जी, पहले तो बात करते हैं क्यू क्या होता है। क्यू का मतलब है आपकी फीड के अंदर लिक्विड कंटेंट कितना है, जैसे वेपर्स वाला था ना वैसे ही उसने उसको ऑपोजिट कहा हुआ है कि लिक्विड कंटेंट टू द फीड, क्यू यानी कि एल ओवर एफ, क्या पूछ कहा है उसने, एल ओवर एफ क्या है आपके पास। अगर ये यहां पे उसने टोटल एल कह दिया है, यहां से आपके पास फीड है, ये फीड एंटर हुई, कुछ फीड आपकी एल एन है और कुछ फीड जो है ना लिक्विड फॉर्म में एल एम है, तो टोटल जो आपके पास फीड के अंदर एल होगा वो क्या होगा, ज्यादा आपका लिक्विड कहाँ जा रहा होगा, ज्यादा लिक्विड आपका जा रहा होगा निचले सेक्शन में, लिक्विड यहां से आया और यहां से नीचे, और कुछ जो वेपर्स लिक्विड बन के आ रहे होंगे तो इनका जो डिफरेंस होगा हम वही ऐड कर रहे होंगे ना, मजीद हमने फ्लो रेट एफ का वो रखना है जो हमारे पास एल एम माइनस एल एन होगा, इसलिए उसने यहाँ पे लिख दिया उसको एल एम ओ माइनस एल एन डिवाइडेड बाय टोटल फीड लिक्विड कंटेंट टू द फीड। एक्सक्यूज मी सर, ये पेपर्स क्लियर नहीं वाला हुआ, जी नहीं अच्छा क्यू लाइन वाला नहीं ये क्लियर हुआ। दोबारा, अच्छा पहले तो बात करते हैं ओवरऑल बैलेंस इसके ऊपर क्या होगा, एफ इज इक्वल टू एल प्लस वी, अभी पिछली स्लाइड में भी मैंने पढ़ाया था वी प्लस एस लिखा हुआ था, आप उसको समझो कि वो वी प्लस एल ही है या एल प्लस वी है, एक ही बात। अब बात करें क्यू, क्यू की समझ आ गई कि क्यू क्या है, आपकी फीड के अंदर लिक्विड कंटेंट कितना है,
जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, उसने कहा कि 25% आपकी फीड जो है वेपराइज है, वो प्री हीटर में से वेपराइज होके आ रही है, ठीक है, और बाकी की क्या है, लिक्विड है, कितनी 75/100 यानी कि 0.75, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 0.75, क्यू की वैल्यू कितनी है 0.75, यानी कि लिक्विड आपका 75% लिक्विड है फीड का और 25% आपकी वेपर्स की फॉर्म में फीड आ रही है, तो इसको हम कहते हैं क्यू, क्यू लाइन, क्यू वैल्यू क्या है आपकी फीड की। इसके ऊपर आपने हमने ये कहता है कि क्यू, अगर मैं क्यू टोटल लिखूं, एल टोटल डिवाइडेड बाय एफ, अब एल कहाँ जा रहा है, एल आपके पास चेंबर के अंदर क्या है, या एम प्लेट पे होगा या कुछ लिक्विड जो है वो एल, ये इसके ऊपर बात करते हैं, इस वाली प्लेट पे, ये समझो कि ये आपकी फीड लाइन प्लेट है जहां पे हमने बैलेंस लगाया, जहां पे क्या आ रहा है एल एम, जो ये आएगा यहां से वो सारे का सारा 75% कहां जाएगा, मोस्टली एल एम, और ये कुछ ये भी आ रहा है, अगर मैं इसको इसको निकालू कि इसके अंदर कितना है तो मुझे क्या निकालेंगे एल एम, अब देखो एल एम के अंदर क्या होगा, ये एल एम भी होगा और ये एल एन भी होगा, इसलिए मैं इसमें से इस वाले पोर्शन में एल निकालना चाहता हूँ, मैं इस वाले एल टी की बात कर रहा हूं, तो वो क्या होगा एल एम माइनस इसमें से एल एन करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा क्यों, ये चीज यहाँ पहले ऐड हो रही है, इधर आके ऊपर से नीचे आके इसके ऊपर ऐड हो रही है, इसको निकालो हमें इसकी जरूरत नहीं, हमने कहा फीड इधर एल थी और वो फीड आई और ये सारी की सारी यहाँ जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ये ऊपर से ये भी गिर रहा है, तो ये एल एम अकेला नहीं है, टोटल अगर लिक्विड की बात करें तो ये एल एम जो था जो यानी कि यहाँ से डायरेक्ट इधर आया और ऊपर से ये भी ऐड हो गया, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया एल एम में से, ये जो ऊपर से आ रहा है इसको मैंने काउंट नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये फीड का हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा जो है एल एन जो है वो फीड का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं एल एम में से ये ऊपर वाला माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे एल एम माइनस एल एन कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय एफ, इस पे अब ये इसको मैं वहां ले जाऊं तो क्या बनेगा, क्यू डॉट एफ इज इक्वल टू एल एम माइनस एन, एक बात तो ये हो गई, इसी के लिए दूसरी वाली बात कर लें जो उसने वहां पे हम अभी न्यूमेरिकल में पढ़ के आए हैं, वी ओवर एफ, वी ओवर एफ ठीक हो गया, ये v over f क्या होगा, q जो आपका q किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, q मोर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, जैसे हम x और y की बात करते थे ना, हम सिर्फ x और y लिखते हैं, हम ये नहीं लिखते कि मिक्सचर आपका a प्लस a और b है तो x a और x y a, हम सिंपल ऐसे हम शुरू में x a और y a इस तरह ही पढ़ के आए हैं, इवन के आपकी राउल्ट्स लॉ में भी इसी तरह पढ़ा है और आपने रिलेटिव वोलेटिलिटी में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सर स्क्रीन गायब हो गई लाइन के ऊपर, यार जी अब आ रही है दोबारा शो, जी अब हम आपके पास लिक्विड थी क्यू तो वेपर क्या होगा 1-Q, टोटल कितनी है 1 है, 1 में से लिक्विड निकाल दो तो बाकी क्या बचेगा वेपर्स का, तो 1-Q इज इक्वल टू Vn-Vm, कैसे आपके पास यहां से कितने जा रहे हैं Vn, टोटल कितने जा रहे हैं Vn, तो इसमें से ये यहां से जो एंटर टोटल एंटर हुए इसने जाना वेपर्स कहाँ जाते हैं ऊपर को, लेकिन इसमें से Vm कहां से आ रहा है, Vm इस प्लेट के ऊपर ऐड हो रहा है, Vm इस प्लेट के ऊपर ऐड हो रहा है, अब ये कौन है मोहम्मद बिलाल साहब अब आ रहे हैं, टाइम से आया करो यार, देखो मैं हम मटेरियल बैलेंस ये जो बैलेंस लगाया है ये किस प्लेट के ऊपर लगा रहे हैं, ये प्लेट है सेंटर प्लेट, ठीक है, मैंने जैसे बात की कि यहाँ से जो लिक्विड आएगा वो सारे का सारा कहाँ जाना चाहिए नीचे,
यहाँ से जो वेपर्स आएंगे वो सारे के सारे कहाँ जाने चाहिए, वी एन के तौर पे जाने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन वी एन के साथ ये वाला पोर्शन भी ऐड हो रहा है, ये वाला पोर्शन भी ऐड हो रहा है, वी एन प्लस वी एन वी एम होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, हम सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन की बात करें, यहाँ पे टोटल वेपर्स क्या है, वो जो यहां से आए हैं और जो यहां से आए हैं, ठीक है, लेकिन ये वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं, या इसमें वेपर्स कितने हैं, वो जो यहाँ पे टोटल आए हैं वी एन, और जो यहाँ नीचे से एंटर हो रहे हैं, जो वी एन यहाँ से डायरेक्ट इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये भी ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको माइनस कर दो तो मेरे पास स्पीड में वेपर्स की कंपोजिशन निकल आएगी, वेपर कंटेंट। यही बात मैंने लिक्विड के लिए कही थी कि लिक्विड यहाँ से टोटल लिक्विड इसमें जा रहा है, लेकिन ऊपर से भी कुछ आ रहा है, तो पूरे पूरे सेक्शन में लिक्विड कितना होगा, एल एन प्लस एल एम, लेकिन फीड में कितना होगा, सिर्फ एल एम माइनस एल एन, एल एम माइनस ये वाला निकाल दो, ये नहीं, हम ये हमारे फीड में से नहीं आ रहा, ये ऊपर प्लेट में से आ रहा है, ये वेपर्स वापस लिक्विड होके नीचे आ रहे हैं, इसीलिए ये कंपोजिशन वेप फीड में नहीं होगी, क्यू की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू आपके पास क्या है, लिक्विड कंटेंट इनटू द फीड, वेपर कंटेंट इनटू द फीड, ये स्पेसिफिक हमने बात की थी कि अब सिंपल फीड की XF कहते हैं उसकी मोल फ्रैक्शन को, मोल फ्रैक्शन को XF, उसमें XD कहते हैं, ठीक है, और XW कहते हैं, यहाँ पे मैं फीड के लिए वो कहता है कि स्पेसिफिक एक वैल्यू टर्म इस्तेमाल की जाती है कि लिक्विड कंटेंट कितना है, वेपर कंटेंट कितना है, इस फीड कंडीशन की वजह से आपके पास बहुत सारी कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, वो किस तरह से पड़ता है वो भी देखते हैं, कहता है अगर आपके पास क्यू इज मोर, क्यू इज मोर का क्या मतलब है, लिक्विड ज्यादा है, अगर मेरे पास फीड लिक्विड में ज्यादा होगी तो मुझे मोर वोलेटाइल कंपोनेंट को वेपराइज करके सेपरेट करने में मुझे एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 75% जो है फीड है, ओ लिक्विड है, ठीक है, तो मुझे उस 75 में से वेपर्स अलग करने हैं, तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर मेरे पास 50-50 हो तो मुझे मुझे एनर्जी क्या होगी, मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी कि आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट रिप्लेस हो, अगर मेरे पास फीड 75% लिक्विड है और 75% वो वेपर्स में है, तो देन मुझे पहले वेपर्स में है तो मुझे नीचे रीबॉयलर से हीट कम देनी पड़ेगी, ठीक है, सेपरेशन करने के लिए, और अगर मैं 100% ही वेपर्स हैं तो मुझे जरूरत ही नहीं है मजीद उसकी एनर्जी देने की, लेकिन जो ऊपर से कंडेंस होकर रिफ्लक्स के थ्रू नीचे आएंगे उनको मुझे वेपराइज करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, अगर हमारे पास आपकी क्यू वैल्यू जो है उसकी वैल्यू क्यू, क्यू का मतलब है लिक्विड कंटेंट, अगर बहुत ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी वेपराइज करने में, और अगर क्यू की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि सुपर सैचुरेटेड आप सॉरी सैचुरेटेड वेपर्स है, अभी बात करते हैं आगे इससे, तो आपकी क्यू एनर्जी क्या होगी, अगर ऑलरेडी सैचुरेटेड वेपर्स हैं वो अपने ऊपर ड्यू पॉइंट कर्व के ऊपर पहुंच गए हैं, हमने बात की थी सैचुरेटेड लिक्विड होते हैं कहाँ पे, जब वो ड्यू पॉइंट को टच करते हैं, ड्यू पॉइंट कर्व को टच करते हैं, कब, जब उसकी कंप्लीट वेपराइजेशन हो चुकी होती है, अब तो सिर्फ आपने फीड को एंटर करना है, और वहां पे एंटर इसलिए किया है कि वहां से आपने वैल्व को खोला है, प्रेशर रिड्यूस हुआ है, सारे वेपर जो है वो ऊपर की तरफ प्लेटों की तरफ जाएंगे और सेपरेशन होती जाएगी आपकी, ठीक हो गया, एक तो बात ये हो गई क्यू की वैल्यू डेफिनेशन, ये तो थी मटेरियल बैलेंस के अकॉर्डिंग, हीट बैलेंस के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन होती है, क्यू इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द फीड, कितनी एनर्जी फीड को दी जाए कि वो फॉर वन मोल, कि वो 1 मोल ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट कर दे इनटू सैचुरेटेड वेपर, और क्या कर दे, 1 मोल ऑफ लिक्विड की सैचुरेटेड वेपराइजेशन करवा दे विद रिस्पेक्ट टू द लेटेंट हीट, उस जाहिर लेटेंट हीट क्या होती है, जहां पे वो जहां पे क्या कर लेता है, लेटेंट हीट में फेज चेंज कर लेता है, तो लिक्विड से वेपर्स की फेज चेंज हो गई, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो कहता है ये हमारे पास, आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा कि हमारे पास 1 मोल को
लिक्विड को सैचुरेट वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन पढ़ी होगी कि एच वी यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपर माइनस इंथैल्पी ऑफ फीड डिवाइडेड बाय एच वी इंथैल्पी ऑफ वेपर माइनस इंथैल्पी ऑफ लिक्विड। और अगर इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो वो कहता है ये इज इक्वल टू बनेगा क्यू इज इक्वल टू सी पी टी बी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट माइनस टेम्परेचर ऑफ फीड प्लस लैम्डा वेपराइजेशन यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट ये आपस में नहीं हो रहा ये पूरा का पूरा जो है ना इसको डिवाइड कर रहा है ठीक है डिवाइडेड बाय ये नीचे लिख दिया ये हमारे पास क्या है ये आपकी सेंसिबल हीट है ये आपकी सेंसिबल हीट होती है और लैम्डा वेपराइजेशन आपकी क्या होती है लेटेंट हीट जो लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने इसको इन दोनों को जमा करो और टोटल लेटेंट हीट से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू के लिए आपके पास यहाँ पे चार इक्वेशन है अभी चार इक्वेशन इस्तेमाल होनी है कहाँ इस्तेमाल होनी है वो भी बात करते हैं। तो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट है ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए क्यू किस तरह से निकलेगा क्यू इज इक्वल टू एल एम माइनस एल एन डिवाइडेड बाई एफ या इसको ही रिप्लेस कर दो क्यू डॉट एफ इज इक्वल टू एल एम माइनस एल एन और दूसरी क्या है क्यू माइनस वन सॉरी हाँ ठीक है ये देखो इसने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है वी एम को उधर ले गया वी एन को इधर ले आया तो दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई किया उसने तो ये क्या बन जाएगा क्यू माइनस वन और ये क्या बन जाएगा वी एम माइनस वी एन ठीक है ये ये हम क्यों निकाल रहे हैं इसलिए निकाल रहे हैं कि हमने ये जब हम मटेरियल बैलेंस लगाएंगे उसमें इन चीजों को रिप्लेस करने के लिए हमने ये इक्वेशन ड्राइव की है। तो चार वैल्यूज हैं मेरे पास क्यू क्यू के हिसाब से क्यू लाइन की चार इक्वेशन है क्यू डॉट एफ इज इक्वल टू एल एम माइनस एल एन दूसरी क्यू माइनस वन डॉट एफ इज इक्वल टू वी एम माइनस वी एन और तीसरी क्यू इज इक्वल टू एच वी माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई एच वी एच माइनस एच एल और एक चौथी ये है। लो जी अब आपके पास बात करते हैं इंटरसेक्शन सर जी जी सर ये जो नीचे क्यू वाली इक्वेशन है इसकी समझ नहीं है ये सी पी टी बी माइनस टी एफ इसमें ये सी पी और टी बी माइनस टी एफ वेपर्स कब बनते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट आता है यस सर ठीक है अगर मैं इस एच वी को रिप्लेस करूं क्या आएगा एच वी की इक्वेशन क्या है एंथैल्पी इज इक्वल टू सीपी डेल्टा टी बोलो यस सर सीपी डेल्टा टी आ गया माइनस एच एफ क्या है ये भी आपके पास क्या है एच एफ क्या हो गया सीपी एच डेल्टा टी ठीक है डेल्टा टी क्या होगा यहाँ पे टी माइनस टी एफ यहाँ पे क्या होगा सीपी ठीक है ये एज इट इज आ गई समझो कि सीपी टी बी माइनस टी एफ माइनस सी पी इज इक्वल इन टू टी एफ माइनस टी एफ टी एफ माइनस टी एफ वो जीरो हो जाएगी तो पीछे क्या बचेगा सिर्फ यही वाली इक्वेशन बचेगी इसकी सीपी जो है वो डेल्टा टी जो है वो टी एफ ही रहेगा टी एफ माइनस टी एफ वो जीरो हो जाएगी फीड फीड तो नहीं वो हीट अप कर रही ना अभी ठीक है तो इसके लिए पहला पॉइंट भी वही है दूसरा पॉइंट भी है तो जब जीरो हो जाएगा तो उसकी सीपी भी क्या हो जाएगी जीरो यानी कि ये पूरे का पूरा सेक्शन जो है ये क्या हो जाएगा जीरो तो ये एच वी की वैल्यू यही तो लिखी है सीपी इंटू टी बी माइनस टी एफ प्लस लैम्डा इसको जब सॉल्व करोगे ना सर जी इसे थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं समझ नहीं आ रही बेटा ये ट्रांसफर में कीती नहीं तुसी सॉल्व हीट ट्रांसफर में ये इक्वेशन नहीं सॉल्व की हुई चलो मैं सॉल्व करके बता दूंगा यहाँ पे सॉल्व करके लिख दूंगा जब फाइनल ड्राफ्ट ये वाले सेंड करूंगा ना पीपीटी उसमें सॉल्व कर दूंगा वरना मेरे ख्याल से आपकी बुक में दी हुई है ये आपकी बुक में दी हुई है कि किस तरह से डिराइव हुई है ठीक है अदरवाइज आप डायरेक्ट याद कर लो आप डायरेक्ट याद कर लो ये फिलहाल डायरेक्ट याद कर लो ठीक है कि किस तरह से क्यू की वैल्यू निकलती है सीपी टी बी माइनस टी एफ प्लस लैम
लैम्डा वेपराइजेशन डिवाइड बाय लैम्डा वेपराइजेशन, ठीक है। अगर नहीं, बाकी मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, अगर मैं खुद नहीं करूंगा तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा कि कहाँ पे लिखी हुई है आप, ठीक है जी। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास, अब ये ऑपरेटिंग लाइन इंटरसेक्शन की बात करते हैं। हमने पीछे देखा ऑपरेटिंग लाइन ऑफ रेक्टिफाइंग एंड स्ट्रिपिंग, वो दोनों एक जगह पे कहीं पे सेंटर पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ये भी लाइंस जो है इंटरसेक्ट करेंगी, कैसे करेंगी वो जी देखते हैं। कहता है इट इज सीन फ्रॉम द एग्जांपल शोन इन फिगर 11.5 इन विच द फीड एंटर्स एज लिक्विड। ये अच्छा, ये मैंने ना डायग्राम आई थिंक जो है ना यहां से दिखा देता हूँ बुक से, 11.15 16 ओके ये जी 15 के कह रहा है कि ये आप वही वाली वैल्यू है जो आपने वहां पे उसमें, ये वही डायग्राम है जो हमने वहां पे मैकैब थेले वगैरह में इस यूज की थी, ये वही डायग्राम है, ठीक है। कहता है कि इसमें देखो जी, इन विच द फीड एंटर्स एज लिक्विड, फीड एज ए लिक्विड एंटर हो रही है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, that the two operating line intersect at a point having x coordinate of xf, ठीक है। x coordinate उसके क्या है, xf है इस diagram में। ये देखो ये जिस point पे यहाँ पे touch कर रही है ये दोनों values, ठीक है, यहाँ पे एक point लग गया। इसके क्या points हैं, इसका x point क्या है और y point क्या है। इसका x point जो है वो तो xf के equal ही होगा यहाँ से, ठीक है, x के इक्वल होगा, लेकिन इसका यहाँ पे y जो है वो कोई और होगा, इसलिए यहाँ पे इसको मैं अगर x डैश कह दूं और y डैश कह दूं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर खाली x कह दो और y कह दो तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, xd और ये वाला पॉइंट क्या है, xw और ये वाला पॉइंट क्या होगा यहाँ पे जहां पे ये इंटरसेक्ट करें, एक्स वाई, ठीक हो गया। इसको इसने इस तरह से एक्सप्लेन किया, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द, ठीक है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग लाइन इज ऑफ कंसीडरेबल इंपॉर्टेंस। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये दो इंटरसेक्शन जो है ना दोनों लाइंस का होना, उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें कुछ जो है ना मजीद यू गो के आपके पास क्यू लाइन की स्लोप निकलती है, क्यू लाइन की स्लोप निकलती है। कहता है इफ द टू ऑपरेटिंग लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्स क्यू वाई क्यू, बेसिकली उसने यू देख लो उसको बजाय एक्स और वाई कहने के उसने कह दिया एक्स क्यू और वाई क्यू, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11.35 एंड 11.37 जो कि ये लिखी हुई है, ये कौन सी है, ये आपके उसकी रेक्टिफाइंग सेक्शन की और ये आपके पास सेकंड जो है वो स्ट्रिपिंग सेक्शन की इक्वेशंस। दूसरी में से माइनस कर दो पहली को तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है इस वाले vn को यहाँ बजाय डिवाइड करने के मैं यहाँ पे इधर कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो ये इसको भी इसी तरह vm को कॉमन लिया नीचे डिवाइड से, ठीक है, या उसका जो है ना आप एलसीएम लेके इधर डिवाइड कर दो। अगर हमें आपको याद हो तो हम ये वीएम इधर से निकाल के लाए थे, उन्हीं दो इक्वेशन को आप लोग वीएम माइनस वीएन इनटू वाईएन, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि यह इस जगह पे वाईएन इज इक्वल टू होगा वाईएम के, नहीं है, ठीक हो। तो इसको इसने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि वाई एन और वाई एम एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हमारे पास दोनों जो हैं वो फीड आपकी उस पे है बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो आपके पास याद हो अगर आपको हमने मैकैब थेले में और लेविस और दोनों के अंदर एक अजम्पशन पड़ी थी कि वी एन इज इक्वल टू वी एन प्लस वन। इसी तरह यहाँ पे जब उनका मोल फ्रैक्शन जो मोलर फ्लो रेट इक्वल है तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि उनकी मोल फ्रैक्शन भी सेम होंगी। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे एल एम माइनस एल एन, एल एम माइनस एल एन,
यही इसी तरह जैसे मैंने ये वी एन और वी एम को एक दूसरे की इक्वल किया है, इसने यहाँ पे एक्स एन प्लस एक्स एम वन को भी एक दूसरे के इक्वल रखा है, इसीलिए उसने जस्ट ए की वैल्यू ली है, एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन माइनस ये वाला, ये माइनस ये है ना, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा अच्छा ठीक है, हाँ ये माइनस तो आ गया, ये इक्वेशन वाला, ये माइनस आ गया इक्वेशन वाला, ये माइनस इस वाले को क्या कर देगा प्लस का, और इसको क्या कर देगा नेगेटिव का, इसीलिए पहले क्या आया डी इंटू एक्स डी प्लस डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू, ये इतना तो आपको मैथ आता ही है कि इन दोनों इक्वेशनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कहता है एट इंटरसेक्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स क्यू और वाई क्यू, वाई एन को रिप्लेस कर दो और एक्स एन प्लस वन को रिप्लेस कर दो, किससे इन वैल्यूज से, ठीक हो गया, ये इक्वेशन बन गई आपके पास, वी एम माइनस वी एन इंटू वाई क्यू इज इक्वल टू एल एम माइनस एल एन इंटू एक्स क्यू माइनस डी, ये एज इट इज आ गया, ये वाला आपके पास ऊपर से नीचे एज इट इज आ गया, हमें पता है अगर वी एम माइनस वी एन किसके इक्वल है, अभी हम पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं, क्यू डॉट एफ सॉरी क्यू माइनस वन डॉट एफ इज इक्वल टू वी एम माइनस वी एन, इसको मैं इसकी जगह रिप्लेस कर दूं ये वाली वैल्यू, और इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा ये क्यू डॉट एफ, और ओवरऑल बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस क्या है मेरे पास इसके ऊपर आपकी फील्ड के ऊपर, एक्स पूरे सॉरी पूरे कॉलम के ऊपर, पूरे कॉलम के ऊपर फीड आ रही है, ऊपर से डिस्टिलेट जा रहा है और नीचे से W जा रहा है, तो जब इसके ऊपर ओवरऑल बैलेंस के साथ कंपोनेंट बैलेंस लगाऊंगा तो क्या वैल्यू आएगी, एफ डॉट एक्स एफ डी डॉट एक्स डी प्लस डब्ल्यू डॉट एक्स डब्ल्यू इस, ठीक है, ये पूरे का पूरा किसके इक्वल आया है, एफ डॉट एक्स के, इसको ये देखो डी एक्स डी प्लस डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, इसको इससे रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी इसके साथ और इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी इसके साथ, तो ये आपके पास इक्वेशन जो है ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, क्यू माइनस एफ डॉट एफ, ठीक है, डॉट एफ मल्टीप्लाई बाय वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू क्यू डॉट एफ, और ये क्या है वाई क्यू ये वाला एज इट इज, माइनस ये पूरे का पूरा इसको रिप्लेस कर दो, माइनस एफ डॉट एक्स, एक्स कॉमन है डिवाइड जो है ना कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक हो गया, तो मेरे पास इक्वेशन निकल आई किसकी, क्यू लाइन इक्वेशन, ये किसकी ऑपरेटिंग इक्वेशन है, ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन है क्यू की, ठीक हो गया, वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले जो क्यू माइनस वन डॉट एक्स क्यू माइनस एक्स एफ है, ये वाला इधर नीचे आके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा एक्स एफ डिवाइडेड बाय क्यू माइनस वन, ये आपके पास जो है वो क्यू लाइन की ऑपरेटिंग क्यू लाइन की जो है वो ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशंस है। अब आपके पास तीन इक्वेशंस होगी, ये जो यहाँ समरी लिखी हुई है ना ये यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आपको शायद समझ ना आए इसलिए मैंने इसको खुद से जो है ना लिखा है, ताकि आप लोग पिछली इक्वेशन को लेके और खुद से समझ सको, ठीक हो गया, इसको मैंने खुद से यहाँ पे सॉल्व किया ताकि आप इस इक्वेशन को ड्रॉ कर सको, उसने डायरेक्ट ही जो है ना निकाल दिया कि एफ इज इक्वल टू एल एन प्लस वी एम इज इक्वल टू एल एम प्लस वी एस वी एन सॉरी, ठीक है, इसको रीअरेंज करो वो तो आपके पास जो है ना इक्वेशन वो बनेगी वी एम इज इक्वल टू एल एम माइनस एल एन माइनस एफ, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए मैंने आपको ये वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन ड्रॉ करके दिखाई है, तो आपने फॉलो ये वाली करनी है, आंसर वही निकलेगा जो एट द एंड यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, तो लो जी अब तक हम तीन तरह की ऑपरेटिंग लाइंस पढ़ के आए हैं, आप लोगों को ये फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, अगर न्यूमेरिकल करना है आपको इक्वेशन दी जाएगी, डाटा दिया जाएगा, रिफ्लक्स का डाटा दे दिया जाए आपको, फ्लो रेट दे दिया जाए एल का या वी का, ठीक है, या डब्ल्यू का, या आपको क्यू वैल्यू क्यू की वैल्यू बता दी जाए, जैसे अभी पीछे बताई थी तो 25% जो है आपके पास वेपर्स की फीड है, तो क्यू कितना है, क्यू कितना है 0.75, क्यू कितना होगा 0.75, ठीक हो गया, तो वो आपके पास निकल है, यानी कि वन माइनस
वेपर्स का 1 - 0.25 दे तो आपके पास क्यू निकल आएगा, क्यू कितना होगा 0.75 का। अगर ये वैल्यू दी होगी तो आप वाई की कंपोजिशन निकाल सकते हो, बिल्कुल जी। किस तरह? इसकी ऑपरेट, इसकी जो स्लोप आएगी और इसका जो इंटरसेप्ट आएगा उसका उसका पॉइंट लगाना अपने एक्स वाई डायग्राम में, उसका आपने इस तरह से, ये सॉरी ये टी एक्स वाई डायग्राम है जो पिछली डायग्राम हमने पढ़ी है, यहाँ पे एक्स और वाई डायग्राम तीनों के लिए, ठीक है। आपने एक्स वाई डायग्राम में उसकी स्लोप की वैल्यू और उस, बेसिकली आपका यहाँ इसके लिए कौन सा पॉइंट लगेगा, एक पॉइंट लगेगा एक्स डी एक्स डी, और दूसरा पॉइंट क्या लगेगा जो इसका वाई इंटरसेप्ट होगा, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक स्लोप खिंच जाएगी। इसके लिए निचले सेक्शन के लिए एक्स डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू जो कि नीचे पॉइंट होगा और यहाँ पे इस साइड पे इसकी माइनस में, यानी के माइनस एक्सिस के ऊपर, सॉरी माइनस वाई वाली, वाई कोऑर्डिनेट में, जहां पे वाई कोऑर्डिनेट माइनस में होगा, ठीक है। ये वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई इंटरसेप्ट है, तो ये माइनस में है तो इसकी वैल्यू निचले वाले सेक्शन में आएगी, तो वहां पे एक पॉइंट लगेगा और एक एक्स डब्ल्यू का, दोनों के दरमियान एक स्लोप खींच देनी है, वो ऑपरेटिंग लाइन होगी आपकी स्ट्रिपिंग सेक्शन की। इसी तरह आपके पास फीड लाइन सेक्शन की भी ऑपरेटिंग लाइन होगी जिसका नाम हम कहते हैं ये क्यू लाइन, क्यू ऑपरेटिंग लाइन है, ठीक हो गया। और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी ये वैल्यू है, और वो किस तरह से कैलकुलेट होगी जी, अभी अब बात करते हैं। अब हम बात करते हैं फीड कंडीशंस, जो मैं कह रहा था ना कि फीड में लिक्विड कितना है सॉलिड कितना है, कि फॉर एग्जांपल क्या था, देयर विल बी अ चांस टू ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ फीड। आपके पास कंडीशन क्या हो सकती हैं, हमें पता है कि क्यू किसकी इक्वल होती है, ये दो वैल्यूज मैंने आपको पहले ही कहा था कि याद रखनी है ये, ठीक है। सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट और ये एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंस, ठीक हो गया। पांच कंडीशंस हो सकती हैं आपकी फीड, पांच तरह से हो सकती है। आपने फीड दी, ठीक है, और आपने इतनी हीट नहीं दी उसको, आपने उसको हीट इतना हीट नहीं किया कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंच सके। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक एक्स एक्स कंपोजिशन की फीड है, जैसे हमने एग्जांपल में पढ़ा कि 40% बेंजीन और 60% आपके पास टॉलवीन है, ठीक हो। या आप यूं कहो कि 50 इक्विमोलर है, ठीक है, ये मैंने इक्विमोलर के ऊपर एक पॉइंट लगाया, इससे मैं एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूँ टूवर्ड्स आपके जो डायग्राम है उसकी बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि आपने पहली कंडीशन क्या होगी, या तो आपका लिक्विड जो होगी फीड जो होगी वो सब कूल्ड होगी। सब कूल्ड का मतलब है यहाँ से स्टार्ट हुई और अभी तक ये इस पॉइंट पे पहुंची, पहले पॉइंट पे, इस पे टेम्परेचर क्या होगा उसका, यहाँ से मैं टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकता हूँ xf, ठीक है जी। वो कहता है कि यहाँ पे आपकी स्लोप जो है वो q इज इक्वल टू 1 होगी, और q ग्रेटर देन 1 होगी। कैसे? इस इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन में, ये जो निचली इक्वेशन है यहां पे बात करते हैं, सीपी तो जो भी होगी वट एवर जो भी होगी सेम होगी ना, अगर सिस्टम सेम है। टीबी क्या है, टीबी की वैल्यू कितनी है उसकी, अगर यहाँ पे अभी अभी आपका लिक्विड सब कूल्ड है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर इतना है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इतना, तो टीबी माइनस टीएफ क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा ना, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आंसर इसका आ जाता है जी ग्रेटर देन 1 2 आ जाता है, 2 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1, 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आया, ग्रेटर देन 1। क्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन 1। मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास एग्जाम्पल ले लो, इसके इसकी जो वैल्यू ना 0.5 है, टी बी आपके पास 70 है और टी एफ जो है वो 50 है, 20 का डिफरेंस निकला, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.5 10 आंसर आ गया। और ये कह लो कि इसकी वैल्यू कोई सपोज कर लो 5 है, 10 - 5 15 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आया, 1 से बड़ा ही आया ना, 3 आंसर आया। तो क्या हुआ, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा अगर आपकी क्वेश्चन में दिया होगा आपके पास सब आपकी जो फीड है वो किस कंडीशन में है, सब कूल्ड लिक्विड है, तो
तो हमारे पास वो क्या आएगा, क्यू की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन वन, क्यों, क्योंकि टी एफ जो है वो लेस देन है टी बी के, बिल्कुल सही है, ये छोट ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है, टी एफ लेस देन टी बी के, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, प्लस एड हो जाएगी कुछ तो डिवाइडेड हो जाएगा उसे छोटी अमाउंट से, ऊपर नोमिनेटर में वैल्यू बड़ी और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर बड़ा ही आता है, तो इसलिए क्यू की वैल्यू जो आएगी आपके पास वन आ जाएगी। इफ वी कॉन्टिन्यूसली हीटेड योर फीड देन वो क्या हो जाएगा, वो सैचुरेटेड लिक्विड हो जाएगा। वो सैचुरेटेड लिक्विड किस कंडीशन पे होता है, जिस पॉइंट पे जाके पहला बबल बनता है, ये सेकंड पॉइंट जिसको हम कहते थे ये बबल पॉइंट कर्व है, ये बबल पॉइंट टेम्परेचर है, पहला लिक्विड जो है आपका मॉलिक्यूल वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे अगर ऐसी फीड आप एंटर कर रहे हो जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन में दी हुई थी, तो इसमें न्यूमेरिकल में के हाँ फॉर द कंडीशन द बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम, नहीं ठीक है ये वाली एग्जांपल नहीं बनेगी, जस्ट वैसे समझ लो कि आपने जो फीड दी है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक गर्म करने का गर्म किया उसको, प्रीहीट कितना किया, टी बी तक किया उसको, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि 78 डिग्री सेल्सियस है अगर एथानॉल का, तो मैं उसको अगर 63 तक, यानी कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा इस कंपोजिशन के लिए तो मैं यहाँ पे उसको उतना हीट करके भेज रहा हूँ, तो इट मींस कि मेरे पास अब हमारे पास जो फीड है वो किस कंडीशन में है, वो सैचुरेटेड लिक्विड है, और उस सैचुरेटेड लिक्विड में टी बी किसके इक्वल होता है या टी एफ किसके इक्वल होता है, जो फीड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे अगर मैं टी बी की जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू यहाँ पे भी टी बी लगाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को जीरो कर देंगे, ये वाला सेंसिबल हीट तो गई ना जीरो, यहाँ क्या रह जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा, आंसर क्या आएगा वन, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपकी हमेशा वन, कब, जब आपका फीड का टेम्परेचर किसके इक्वल होगा टी बी के, ठीक है, तो आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो वन के इक्वल आ जाएगी, और अगर आप फीड एंटर करते हो जिसमें लिक्विड भी है और मिक्सचर वेपर भी है, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर, और वो कब पॉसिबल है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे, याद है मैंने यहाँ पे बताया था कि दोनों कर्व्स के दरमियान ये यहाँ पे लिक्विड होगा और यहाँ पे वेपर होंगे, यहाँ पे अभी वो कंप्लीटली लिक्विड होगा और यहाँ पे कंप्लीटली वेपर्स होगा, और ये अगर कोई सेंटर में कोई पॉइंट आता है तो देन आपके पास आपकी जो फीड है वो किस कंडीशन में है, उसमें लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर मौजूद है, तो यहाँ पे अगर स्लोप कितनी है उसकी वन, क्यू सॉरी क्यू कितनी है लिक्विड में वन है, तो यहाँ पे वन से कम होगी, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या थी, लिक्विड ज्यादा था, यहाँ पे वो वेपर्स बनना स्टार्ट हुआ इसलिए वन है, और जैसे अब यहाँ पे वेपर्स बन चुके हैं तो लिक्विड कम हो गया ना, लिक्विड की वैल्यू क्या हो जाएगी कम, क्यों क्या है लिक्विड है ना, लिक्विड कंटेंट इन फीड, जब यहाँ पे इस टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो वो उसका कुछ पोर्शन वेपराइज हो गया होगा, तो क्यू हमेशा क्या हो जाएगी उस इस कंडीशन में, ऐसी जब आपके पास लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होगा तो क्यू आपका हमेशा लेस देन वन होगा, लेकिन जीरो से बड़ा होगा, क्यों, यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट आपका है फीड की कंडीशन होगी या तो सैचुरेटेड वेपर, मतलब सारी की सारी जो है आपकी क्या हो गई है वेपर्स में कन्वर्ट हो गई है, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन नहीं जो है ना रिलाई करेगी, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे तो ये सेंसिबल हीट तो जीरो हो गई ना, अब तो वो फेस चेंज कर रहा है, आपके फीड में ही ऐसी फीड ही ऐसी है कि वो डायरेक्ट फेस चेंज कर रही है, तो यहाँ पे ये सेंसिबल वाला काम ही खत्म हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनथैल्पी वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास एच वी की वैल्यू एच एफ के इक्वल आ जाती है, या मैं कहूँ कि एच एफ की वैल्यू एच वी के इक्वल आ जाती है, मतलब आपकी फीड जो है उसकी इनथैल्पी इतनी है जितनी कि आपको एनर्जी चाहिए उस
कंपोनेंट को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अगर उतनी एनर्जी है तो ये आपके पास, उसका मतलब होगा अगर हमारे पास HF इज इक्वल टू HV होगी तो हमारे जो वेपर्स होंगे वो कम्प्लीटली वेपराइजेशन फॉर्म में होंगे, सैचुरेटेड वेपर में होगी आपकी फीड, जो कि फोर्थ पॉइंट पे है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं जो है ना H लिखता हूँ, बल्कि HV, ठीक है। वैसे मैंने TV लिखा था कि ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पे जो है वो सारे का सारा वेपर्स हो गए, वेपर्स का टेम्परेचर है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल होगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो क्या आएगा, जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग व्हाट एवर जो भी हो, 0.5 हो, जीरो डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर होता है, तो क्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। सैचुरेटेड वेपर्स में आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और अगला पॉइंट है अगर मजीद हीट, इतना हीट कर दिया कि वो सुपर हीटेड वेपर्स कन्वर्ट हो गई है, तो यहाँ पे आपके पास ये कब कब पॉसिबल है, ये वाला पॉइंट कब पॉसिबल है, जब आपकी फीड की इंथैल्पी उसके वेपर्स की इंथैल्पी से ज्यादा होती है, HF ग्रेटर देन HV, ये आपके पास, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में, HF बड़ा है ना, अगर यहाँ पे ये 2 है तो ये इसका 3 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो 2 - 3 माइनस, तो आपकी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो ये आपके पास जो है ना फीड की कंडीशंस हैं और उसके अकॉर्डिंग क्यू की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आपके पास कंडीशन दी हो कि आपकी ये फॉर एग्जांपल सब कूल्ड लिक्विड है, तो मैं कहता हूँ कि जो है ना वाई की मोल फ्रैक्शन निकाल के बताओ, मोल फ्रैक्शन निकाल के बताओ जी, वो कैसे निकालोगे, उसकी ऑपरेटिंग लाइन से पहले उसकी स्लोप निकालोगे और दूसरा उसका क्या निकालोगे, y इंटरसेप्ट, q की वैल्यू यूज होगी ना सब कूल्ड में, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। वो कितनी होगी, वो आपने जब स्लोप निकालोगे, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी समथिंग कुछ भी, ठीक है। तो आप जो है उससे कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी हम न्यूमेरिकल करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया था इसको बेंजीन और टॉलवीन के लिए, यहाँ पे समझो 100% ये जीरो है, ये टॉलवीन 100% है और यहाँ पे जीरो है, ये आपके पास यहाँ से एंटर हो रही है, ये पहला पॉइंट, यहाँ पे क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, क्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 कब, जब TF लेस देन TB होगा, जब TB और TF इक्वल होंगे तो क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर TF ग्रेटर देन TB होगा तो इसके लिए क्यू जो है वो क्या होगा, जीरो से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, और इस पॉइंट पे क्यू जो है वो जीरो हो जाएगा और इस पॉइंट पे क्यू जो है वो आपका नेगेटिव में होगा। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल के साथ वो किया था। जी बच्चे कोई बोलना चाह रहा है, जी अब बात करते हैं ये क्यू की वैल्यू से, अगर जब ये क्यू निकल आता है तो ये स्लोप क्या है इसकी, वाई इंटरसेप्ट की, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस 1, ये स्लोप के अंदर इसकी वैल्यू पुट करो, अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो 1 डिवाइडेड बाय, और यहाँ 1 की जगह मैं लगता हूँ ग्रेटर देन 1 है ना, तो 2 ले लेते हैं जी, एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, क्या आंसर आएगा, 2 माइनस 1 का आंसर 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 2, ठीक है। इट मींस के क्यू हमेशा किसके आएगा, स्लोप किसके इक्वल आएगी, ग्रेटर देन 1 के इक्वल आएगी, स्लोप किसके इक्वल आएगी हमारी, ग्रेटर देन 1 के इक्वल आएगी, इधर ही हो ना सारे, हाँ इधर ही है, ओ नहीं यार सर स्क्रीन गई, स्क्रीन चली गई है, डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक, बस ये मेरे ख्याल से आखिरी स्लाइड है, हाँ इसके बाद आखिरी स्लाइड है बस। चोरी है, नो सर, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं, आप सब बच्चे याद रखो क्यू की वैल्यू, स्लोप क्यू लाइन की स्लोप क्या है, क्यू इज इक्वल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस 1। अब हम बात करते हैं पांचों कंडीशन के लिए स्लोप क्या निकले, स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन नहीं हो रही, सुन तो रहे हो ना यार, यस सर,
की वैल्यू क्यू किसके इक्वल है, हमारा क्यू इक्वल है, स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू माइनस वन। अब बात करते हैं, हमने अभी पढ़ के आए हैं स्लोप क्यू जो है ना वो 5 तरह का हो सकता है, या वो ग्रेटर देन वन होगा, या वो वन होगा, या वो वन और जीरो के दरमियान होगा, या वो जीरो होगा, या वो माइनस में होगा, ठीक है, या वो 4 5 2 3 4 5 होगा, या वो वन होगा, या वो 0.523 समथिंग होगा, या वो जीरो होगा क्यू, या फिर आपके पास वो जीरो माइनस 0.1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब स्लोप की वैल्यू निकालते हैं जी, अगर क्यू को मैं पुट करूं पॉजिटिव वैल्यू यानी कि वन से बड़ी, तो मेरे पास सब कूल्ड के लिए स्लोप निकलेगी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। मैं आपको जो है ना प्रेजेंटेशन शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग वहां से भी देख लो, अगर अभी तो अभी तक तो जो है ना शेयर नहीं हुई, अभी तक दोबारा से कनेक्ट नहीं हो रहा नेट ना। हाँ एक सेकंड, मैं दोबारा रीज्वाइन करके देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। अच्छा चलो, आज का लेक्चर जो है ना यहीं पे फिनिश कर देते हैं। ओके सर, हेलो, अटेंडेंस का मैसेज करें सर। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ अटेंडेंस जो है फिर वो लगाते जो, ये वो आप लोग कर दो अभी जो ना, बाकी का लेक्चर जो ना मैं बल्कि अटेंडेंस लगा दूँ। हाँ सही, रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं जो है ना बल्कि यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये एक सेकंड, मैंने इसको तब तक अटेंडेंस लगवाते जो, बस ये दो स्लाइड है, 1 मिनट लगेगा इसको देखने में। मैंने पहले आप लोगों के साथ ये शेयर की थी पीपीटी लास्ट टाइम। सर ये LMS पे अपलोड करते हैं आप OCW पे? ये लो बल्कि जो ना, एक सेकंड, ये मैं अभी आप लोगों को सेंड किए हैं, अभी मैंने ना इसके वो नहीं बनाए, अभी मैं एक जगह पे इकट्ठी की हुई है, लेकिन वो आप लोगों को यही वाली दूंगा ना, वहां पे मैं उसको पोर्शंस कर दूंगा और देन मैं इसको डिवाइड करके अपलोड करूंगा। अभी तक तो यही लेक्चर हुआ है ना सारे, तो ये आपके पास एक कंबाइंड फॉर्म है, तो आई होप जी। स्क्रीन पहले मुझे शेयर करनी पड़ेगी, इसमें मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए, शेयर स्क्रीन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आ सर गई ये है लो जी जी सर यही बस डिस्टिलेशन ही है ना हमारे सिलेबस में।
नहीं डिस्टिलेशन बेटा, अभी इसके अलावा भी इसके कोई कम से कम 4 से 5 टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। अभी हमने रिफ्लक्स रेशियो की बात करनी है, मिनिमम रिफ्लक्स क्या होता है, मैक्सिम टोटल रिफ्लक्स का नंबर ऑफ प्लेट्स पे क्या इफेक्ट होता है, फिर प्लेट एफिशिएंसी क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट होती है, फिर और सर वो कितने उसके लेक्चर और होने? अलावा 4 से 5 लेक्चर और होने हैं मेरे पास। जी आपको ये स्क्रीन शो हो रही है, यस जो स्क्रीन सर, शो हो रही है यस जी, सर, मैं ये यस बात सर। कर रहा था कि यहाँ पे अब मैं जो ना कर्सर नहीं चलेगा, ठीक है, आप लोग खुद ही जो ना इस चीज को देख लीजिएगा। ओके, स्लोप वो कहता है अगर क्यू ग्रेटर देन वन हो, क्यू ग्रेटर देन वन हो तो स्लोप के अंदर मैं उसकी वैल्यू अगर पुट करता हूँ, वो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे कि क्यू ग्रेटर देन वन क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, 5 डिवाइडेड बाय 4 बन गया, तो आंसर क्या आएगा, स्लोप हमेशा ग्रेटर देन वन आएगी। और ये ऑरेंज वाली लाइन देखो, ऑरेंज वाली लाइन अगर आपकी स्लोप जो है ना क्यू लाइन की, क्यू लाइन के ऊपर, ठीक है, क्यू लाइन के कहाँ पे, क्यू लाइन के स्लोप जो है वो कहाँ पे गिरेगी, कहाँ पे गिरनी है, उसने उसने गिरना है आपके जो एक्स एफ वाला पॉइंट है, एफ वाला पॉइंट है जो, ठीक है, सेंटर जो पॉइंट है जहां से फीड एंटर हो रही है। मैंने पहले बताया था कि वो एक्स डी वाला जो था वो रेक्टिफाइंग के लिए था, और एक्स डब्ल्यू वाला स्ट्रिपिंग के लिए था, और ये हमारी किसकी कंडीशन है, फीड लाइन पे, इसीलिए स्लोप किस पॉइंट से गिरी है, सेंटर पॉइंट से, रेड डॉट जो है यहाँ से ग्रेटर देन वन। और अगर मेरे पास स्लोप आ जाती है 1, यानी कि आपकी फीड जो होती है सेचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में है, तो हम कंसीडर करेंगे कि इसकी क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, 100% लिक्विड जो है ना कंडीशन है फीड की। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ क्यू की जगह, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी, ठीक है, तो आपकी इन ग्रीन वाली लाइन जो है वो इन्फिनिटी, यानी कि आपके पास अगर सेचुरेटेड लिक्विड है फीड में, तो आपकी स्लोप किस तरह आएगी ऑपरेटिंग लाइन की, ये ग्रीन वाली, ठीक है, और इससे आप जो है ना नंबर ऑफ प्लेट्स निकाल सकते हो, ठीक है, आप नंबर ऑफ प्लेट्स कहाँ से निकालना स्टार्ट करते हो, एक्स डी से, एक्स डी से पहला पॉइंट गिराया, दूसरा, अब आपके पास कौन सी ऑपरेटिंग लाइन है, पहले अगर स्लोप ऑरेंज वाली देखता हूं तो आप ऑरेंज वाली के हिसाब से पॉइंट लगाओगे, पहले जो है ना उसके पॉइंट से आगे गिराओगे, फिर नीचे ऑरेंज वाले परपेंडिकुलर गिराओगे, फिर उससे इक्विलिब्रियम कर्व की तरफ जो है वाई वाले के लिए वैल्यू जो है ना हॉरिजेंटल लाइन खींचोगे, फिर नीचे खींचोगे, तो उससे आपके पास नंबर ऑफ प्लेट्स निकलती हैं, क्यू से भी हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी आनी है, ठीक है। दूसरी तीसरी बात, अगर लिक्विड और वेपर का मिक्सचर हो, यानी कि स्लोप 0 से और 1 के दरमियान हो, तो आपके पास स्लोप हमेशा क्या निकलेगी, माइनस में, कैसे, मैं कहता हूँ कि 0.5 की वैल्यू, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 1 का आंसर क्या आएगा, -0.5, ऊपर भी 0.5 था नीचे भी 0, कैंसल, तो आंसर क्या आया, -1, तो स्लोप 0 0 से क्या आएगी, कम, यानी कि माइनस में आएगी। और अगर ऐसा ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपकी स्लोप जो है वो लिक्विड और वेपर्स की फॉर्म में मौजूद है, उसमें आपके पास स्लोप कितनी कैसे गिरेगी, आपकी एक्स वाई डायग्राम पे पर्पल कलर की, अब आप सोचो कि ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो लाइन है स्लोप की, ये किस उसमें है, तीसरी कंडीशन में ना, लिक्विड और वेपर की, और आप वो अब देखो जरा, आपने वहां पे क्वेश्चन में उसने दिया होता है, व्हेन द फीड इज 25% वेपराइज, यानी कि वेपर्स भी हैं और लिक्विड भी हैं, तो वे स्लोप किस तरह की निकली, माइनस की, -3, और उसकी लाइन किस तरह की है, आप ये देख लो, इसके साथ कंपेयर कर लो, इस वाली पर्पल वाली के साथ, इसी उसमें है ना, शेप में, इसी एंगल में है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास सैचुरेटेड वेपर्स हैं, सैचुरेटेड वेपर्स में हमें पता है क्यू क्या होता है, 0, 0 होता है, तो स्लोप भी क्या हो जाएगी, 0, 0 डिवाइडेड बाय कोई भी वैल्यू हो तो 0 ही होता है, स्लोप आपके पास क्या निकल आएगी, 0, और ऐसी स्लोप कहाँ है, वो स्लोप कहाँ लगेगी, वो हॉरिजेंटल लगेगी, एक्सिस के हॉरिजेंटल, एक्सिस के हॉरिजेंटल में लगेगी, जो रेड कलर की लाइन है, स्लोप 0 है यहाँ पे।
और नेक्स्ट है हमारे पास सुपर हीटेड वेपर्स, इसमें आपकी स्लोप हमेशा जो है वो जो है ना ग्रेटर देन वन आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यू किसमें है, नेगेटिव में। ऊपर देखो अगर मैं माइनस वन वैल्यू पुट कर देता हूँ क्यू की, माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन माइनस वन, माइनस टू हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, वन डिवाइडेड बाय टू क्या हो जाएगा आपके पास 0.5, 0.5, तो 0.5 जीरो से बड़ा है ना, तो आपकी स्लोप किस तरह की आएगी, ये नीचे पॉइंट लिख दिया। अगर स्लोप ग्रेटर देन जीरो होती है तो उसकी फीड लाइन, उसकी स्लोप किस तरह। अब आपको यही क्वेश्चन मैं दे दूं कि जी कंसेप्ट ऑफ फीड कंडीशंस के ऊपर मुझे एक्स वाई डायग्राम पे स्लोप्स निकाल के दिखाओ। फीड कंडीशन आपको पता है कौन कौन सी है, पांच तरह की है, तो आपने बेटा क्लियरली लिखना है, ये दोनों डायग्राम्स बनानी है, पहले ये बनानी है, ठीक है, या यूं समझ लो कि ये वाली बनानी है, ये वाली बनाने के बाद और फिर ये आपने उसको एक्स और वाई, ये आपकी टी एक्स वाई डायग्राम, या ये वाली बना लो या ये बना लो, एक ही बात है, ये दोनों वेल ठीक है। और तीसरी आपके पास जो है ना, दूसरी आपकी ये हो जाएगी, और इसमें आपने जो है ना एग्जाम्पल के साथ भी बता देना है कि क्यू को आप क्या ले रहे हो, देन आपके पास आंसर वाकई स्लोप का ग्रेटर देन वन आ रहा है, ओके अच्छी बात है फिर तो। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने एक्स एफ कितना लिया 0.5, तो आपको पुत्र जी पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट कहाँ लगाओगे, ये स्लोप कैसे गिराओगे, डायरेक्ट थोड़ी गिर जाएगी, 0.5 दिया हुआ है। सी की वैल्यू देखो, सी क्या है, सी इज इक्वल टू माइनस एक्स एफ डिवाइडेड बाय क्यू माइनस वन, क्यू की वैल्यू आप लोगों ने कंसीडर कर लेनी है, ग्रेटर देन वन के मतलब है कि टू कर दो बस, इसके लिए टू कर देना, ग्रेटर क्यू इज इक्वल टू वन, वन ही होगी, और वन और जीरो के दरमियान इसको 0.5 कंसीडर कर लेना, चौथे में जीरो ही रहेगी और पांचवे में वो माइनस वन कर लेना, जो है ना क्यू लेस देन जीरो का मतलब है 0.5, उसके हिसाब से सी की वैल्यू निकलती जाएंगी और आपने इस डायग्राम के लिए पांचों पॉइंट्स लगा देने हैं। अगर कौन सी कंडीशन की स्लोप, वाई इंटरसेप्ट क्या है, एक्स क्या है, एक्स एफ कितना है, एक्स एफ यानी कि रेड, इन उन दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन खींच देनी है और वो बता देना है कि जी ये स्लोप है किसकी, स्लोप ग्रेटर देन वन है, और साथ बेशक लिख भी दो सब कोल्ड लिक्विड की है, ठीक है। फिर अगर आपके पास जो सेकंड है उसमें पॉइंट लगाना है, ये सी की वैल्यू कहाँ पे लिखी हुई है, मतलब ये ग्राफ में कहाँ पे लगाई गई है, ये आप वाई के ऊपर लगेगी, जो वैल्यू आएगी ना वाई सी की, आपने सी की वैल्यू खुद से कैलकुलेट करनी है, और मैं आपको क्यू नहीं दूंगा, क्यू आपने खुद से अज्यूम करना है, क्यू आपने खुद से अज्यूम करना है सी की वैल्यू, फिर ये सेंटर रेड डॉट से टच करनी है सी को, हाँ जो सी वाई के ऊपर जो सी का पॉइंट लगेगा ना, एक पॉइंट वो और एक ये सेंटर वाला जो रेड पॉइंट लगा हुआ है, वो मैं आपको बजाय 0.5 के मैं कह दूं एक्सएफ जो है वो आपके पास फीड में कंपोजिशन जो है वो 40% है, तो आपने वो नीचे स्केल बनाना है और 0.4 वाले के ऊपर लाइन खींचनी है, और फिर आपने उन दो पॉइंट्स को सेंटर से उसे उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट गिरा देना है जो वाई के पास आएगा। सर एक और क्वेश्चन ये है कि ये जो स्लोप्स हम सारी मेंशन कर रहे हैं, इन स्लोप्स से हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी पास ऑपरेटिंग लाइन की स्लोप्स कितनी है, और इससे जब ये ड्रॉ हो जाएंगी ना, इसके बाद आप इसके ऊपर वो जो है नंबर ऑफ प्लेट्स वाला मेथड, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची इक्विलिब्रियम की तरफ, फिर नीचे स्लोप गिराई, सॉरी परपेंडिकुलर गिराया, वो किसके ऊपर गिनाना है, वो ये जो स्लोप आई है ना इसके ऊपर वो पॉइंट लगेगा और वो आपको एक्स की वैल्यू देगा। ये हम क्यों कर रहे हैं ये वाला डायग्राम, हम अगर फीड की कंडीशंस दे दूं और फीड के ऊपर कहूं कि जी बताओ एक्स और एफ की वैल्यू क्या है, जैसे अभी आपने न्यूमेरिकल शुरू में किया था, ठीक है, उसमें वहां पे 25% फीड दी हुई वेपराइज फॉर्म में, ठीक है, तो आपको अंदाजा हो गया कि आपकी जो है स्लोप किस तरह की बनेगी, ठीक है। समटाइम्स ये भी होगा कि आपके पास डायरेक्ट स्लोप दे दे, डायरेक्ट
स्लोप दे दे कि जी स्लोप आपकी माइनस थ्री है, तो आप उसको जो है ना स्लोप माइनस थ्री को आप ऑरेंज लाइन की तरह ड्रॉ कर दो, तो हो गया ना नंबर ऑफ प्लेट्स गलत। ठीक है, तो ये हम इसलिए जो है ना कैलकुलेट करते हैं जी। अगर आपके पास ये तीनों सेक्शन देखो, ये इक्विलिब्रियम कर्व डायग्राम है, ठीक है, अगर आपके तीनों लाइंस कौन कौन सी, रेक्टिफाइंग, स्ट्रिपिंग और फीड लाइन, अगर एक ही जगह से पास कर रही हो, ठीक है, एक ही जगह से पास कर रही हो, तो आपके पास जो आपका रिफ्लक्स होता है वो मिनिमम होता है। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास तीनों पॉइंट्स एक ही जगह से इंटरसेक्शन कर रहे हो, तीनों लाइनें एक ही जगह इंटरसेक्शन कर रही हैं, और वो उसमें वो कह रहा है कि वो कब है, जब आपकी फीड लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, और आपका जो रिफ्लक्स रेशियो है वो मिनिमम होगी। ठीक है, अब इसकी मजीद आगे एलैबोरेट करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है, वो हम जो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ क्लास आप लोग यहाँ पे भी आ सकते हो, ठीक है, वहां मैं ये वाली कहानी जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को सुना दूंगा। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बच्चे। सर पेपरों का कुछ अंदाजा हुआ? नहीं बच्चे, पेपरों वाला सवाल जो है ना अभी कोई पता नहीं है मुझे। ओके, ठीक हो गया, चलो जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस लगा ली थी ना सबने? यस सर। चलो ठीक है।